हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैरियर नॉलेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मोटिवेशन से रिलेटेड स्टेनो के उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिन स्टूडेंट्स को स्पेशली इंग्लिश यानी कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है। वर्ड्स इन द सेंस किसी वर्ड की स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेलिंग को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर स्टेनो में आपको जॉब पानी है तो कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से स्पेलिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती हैं तब भी आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप जितना लिखते हैं एटलीस्ट उतना आपका करेक्ट है। अगर आपके कुछ वर्ड छूटते हैं और अगर आपकी स्पेलिंग भी मिस्टेक होती है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप स्पेलिंग भी सही बनाते हैं, सभी की सभी स्पेलिंग सही बनाते हैं, तब भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। तो आप इस स्पेलिंग को किस तरीके से इम्प्रूव करें, कैसे हम डेली बेसिस पर स्पेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमें एक दिन स्पेलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और हम इस मैटर में कॉन्फिडेंट रहें कि यस, मेरा एक तो प्लस पॉइंट बना। तो आप इसको अपना प्लस पॉइंट कैसे बना सकते हैं फ्रेंड? सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगी जो स्टूडेंट बिगनर है, क्योंकि जो स्टूडेंट स्टेनो अपनी कुछ मैगजीन्स कर चुके हैं या पूरा लगभग कोर्स कर चुके हैं, जो रेडी हैं जो अपनी जॉब के लिए, उनको तो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो स्टूडेंट बिगनर है यानी कि फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, 10 डेज, 15 डेज, उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आप अभी से ये मेथड अप्लाई कर दें कि आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ही आप कोई भी न्यू चैप्टर सीखते हैं, न्यू रूल सीखते हैं, देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज डेफिनेटली प्रैक्टिस के लिए दी होती है। तो आप उस एक्सरसाइज की जब प्रैक्टिस करते हैं और जब आप उसको 2-3 बार लिख के देखते हैं तो तब आपको समझ में आता है कि ये वर्ड, कई बार तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी प्रोनंसिएशन भी हम सही से नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले उन वर्ड्स को साइड में लिखिए, साइड में यानी कि आप अपनी एक स्पेशल कॉपी बनाइए, उस कॉपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप उन वर्ड्स को लिखिए जिन वर्ड्स में आपको प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उसको रीड ही नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आप उसकी स्पेलिंग भी करेक्ट नहीं लिख पाएंगे। यानी कि यहाँ से हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं, आप स्पेलिंग भी करेक्ट कर सकते हैं और उसकी आप प्रोनंसिएशन चेक करिए कि इसकी प्रोनंसिएशन क्या है, मुझे किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, फिर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और 2-3 बार, 5-6 बार जब आप एक वर्ड किस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके हैबिचुअल हो जाएगा, वो आपकी टंग के ऊपर बिल्कुल स्मूथ तरीके से आने लगेगा और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस तरीके से जितने भी वर्ड आते हैं, जब तक आप स्टेनो में आपकी जॉब नहीं लग जाती, आपको ये चीज़ डेली बेसिस पर फॉलो करनी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर स्टूडेंट, आप बहुत जल्दी कॉन्फिडेंट और बहुत जल्दी जॉब पा सकते हैं। सिर्फ कुछ ही रूल हमें ध्यान रखने हैं, ये चीज़ें कुछ अलग नहीं है, रूल अलग नहीं है, रूल कॉमन है। सिर्फ ज़रूरत है हमें उन रूल्स को रिमाइंड रखने की, डेली बेसिस पर उन एक्टिविटीज़ को करने की। यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल एक्टिविटी नहीं करनी, ये भी हमारा एक जॉब में ही ये एक पार्ट है, सिर्फ हमें उसके ऊपर स्पेशल फोकस करना है। स्टेनो सीखना ही एक मैटर नहीं है, आपको उसके साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी डेली बेसिस पर फॉलो करके उनको अपने प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है, उनमें फ्लुएंसी लेकर आनी है। तो स्पेलिंग हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि अगर आप टाइपिंग करें तो आपको वहां पर हेजिटेशन ना हो और आपका एरर का रीजन ना बने। आप ये बात अगर स्टार्टिंग से ही फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और जो स्टूडेंट अपनी मैगजीन कर चुके हैं या फिर जो स्टूडेंट अपना हाफ सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या हाफ कर चुके, जैसा भी, मतलब जो स्टार्टिंग में नहीं है, बिगनर नहीं है, उन सभी को भी मैं यही मैसेज दूंगी कि आप जहां पर भी हैं, जब से आपको ये मैसेज मिलता है, जिस दिन आप ये सभी रूल्स सुनते हैं उसी दिन से आप इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको स्टेनो में जॉब पानी है तो। क्योंकि अगर आप जॉब के पर्पज से स्टेनो सीख रहे हैं तो ये सभी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी और कुछ अलग नहीं है। आप ये बात हमेशा माइंड में रखिए कि हमें कुछ अलग एक्टिविटी नहीं करनी, वही एक्टिविटी है जो हमारा डेली बेसिस पर जो हम कर रहे हैं, सिर्फ हमें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप डे बाय डे ये एक्टिविटी करेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगर आप डे बाय डे, अगर डेली रूटीन पर इन सब एक्टिविटीज़ को नहीं करेंगे, स्पेलिंग अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, तो
तो जब आपकी स्टेनो राइटिंग अच्छी हो जाएगी, टाइपिंग भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपकी जब स्पेलिंग में एरर आने लग जाएंगे कि मेरी सिर्फ ये स्पेलिंग की वजह से इतने एरर बन गए, तब आपको फील होगा कि नहीं, मुझे ये डेली बेसिस पर करनी चाहिए थी, मुझे स्टार्टिंग से ही ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए थी। अगर आप स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें महसूस भी नहीं होंगी, आपको बर्डन भी महसूस नहीं होगा, और आप इम्प्रूवमेंट भी करते चलेंगे, आपके प्लस पॉइंट भी बनते चलेंगे, आप कॉन्फिडेंट भी होते चलेंगे। अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो नहीं की तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देंगे, और एक टाइम पे आपको ये महसूस होगा कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे तो इतने एरर बनने लग गए, मैं किस तरीके से इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करूं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी इस टाइप की जो भी आपकी आप कमियां कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपके जो एरर्स बनते हैं उन सबको अगर साथ के साथ आप रिजोल्व करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर जॉब लेनी है तो ये जरूर से जरूर आपको फॉलो करना होगा। आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप मैगजीन में से अगर आप कोई टॉपिक करते हैं, आप कोई भी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, कोई भी वर्ड करते हैं, स्पेशल वर्ड करते हैं, कुछ भी एनीथिंग, बस आपको ये अगर लगता है कि नहीं मुझे इस वर्ड में प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पर 1% भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तब भी आपको वो करनी है। हमें कॉन्फिडेंट रहना है, आप जितना मैटर करते हैं ये बात याद रखिए, जितना मैटर करना है कम मैटर करिए, डजेंट मैटर, बट आप जितना करते हैं उतना अच्छे से करिए, स्पेलिंग से लेकर उसके रूल से लेकर हर एक चीज अच्छे से करनी है। अगर जितना मैटर करेंगे उतना अच्छे से करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ना कि हम सिलेबस ज़्यादा कवर करेंगे और हम वहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगी तो वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी स्पेलिंग को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो आप उस टाइम न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो वहाँ से भी आपकी इंग्लिश स्पेलिंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। जितना आप जो भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं, जो भी कंटेंट पढ़ते हैं, वहां पर भी आपको काफी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। तो आपके लिए ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो पाने के लिए पॉइंट है, तो आप इस चीज को जरूर फॉलो करिए, और आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब चीजें आपको मोटिवेट करेंगी और आपको अपनी जॉब दिलाने में ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। और आपको स्टेनो से रिलेटेड किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप मुझे डिस्कस करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी और आपको इस तरीके से मोटिवेट करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियोज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।